रोलिंग सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे आज लॉन्चिंग है मिराज के बारे में? जी, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है। मिराज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक नमकीन और पराठे हम लोग उस तरह से खा के और मज़ा लेते थे, अब वही नमकीन और पराठे खाते खाते हम इनका चैनल भी देखेंगे, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, तो बहुत ही खुशी की बात है, अच्छा मौका है, बहुत बड़ा मौका है। आपकी भी एक वेबसीरीज आने वाली है, जी जी जी, उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह की वेबसीरीज, क्या कुछ तड़का देखने मिलने वाला है? जी, हमारी जो वेब सीरीज़ है अंधाधुंध कानून उसका नाम है, और ऑलरेडी 3 सीज़न उसके आउट हो चुके हैं। कोर्ट रूम ड्रामा है, एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों वकील हैं और मैं उसमें जज प्ले कर रहा हूँ, तो दोनों आपस में ही कुछ, लेकिन सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि नॉर्मल केसेस नहीं है, केसेस जो भी केस हम कोर्ट में लड़ रहे हैं बहुत ही अतरंगी केसेस हैं, और उसके ऊपर फिर अतरंगी सही एक फैसला जज साहब की तरफ से आता है, तो आउट एंड आउट कॉमेडी है, एंटरटेन करने की कोशिश है छोटी सी। सर, वेब सीरीज से कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है एक आर्टिस्ट के लिए, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो वेब सीरीज कर रहे हैं आपसे बात करें? जी देखिए, इसमें सबका अलग अलग कोट होता है, जो मैं अपना पर्सनली अगर मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि वेब सीरीज़ करने से आपको एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि आपके पास वक्त ज़्यादा होता है। आप अगर सीरियल की बात करें, अगर सीरियल से मैं कंपेयर करूँ, सीरियल में आजकल एक फैक्ट्री टाइप हो गया, उतना वक्त आपको मिलता नहीं है, क्योंकि रोज़ का एक एपिसोड जाना है, आप चाहते हुए भी इतना टाइम कोई आपको दे नहीं पाता, आपके पास होता नहीं है। लेकिन वेब सीरीज़ जब आप करते हैं, जैसे कि फिल्मों में आपके पास वक्त होता है, एक पूरी स्क्रिप्ट होती है बॉन्ड, तो आपके पास वक्त होता है, आप अपने कैरेक्टर पे तैयारी कर सकते हैं, तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप चीज़ों के साथ कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट है वेब सीरीज़ का। वेब सीरीज़ का एक ज़माना आ गया है जैसे कि कहा जा रहा है, तो वेब सीरीज़ का क्या फ्यूचर है आपके हिसाब से, क्योंकि एक सेकंड गेम ने काफ़ी गेम चेंज कर दिया है? जी जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अच्छा परफॉर्मेंसेज होंगे, अच्छा डायरेक्शन होगा, ऐसी चीज़ होगी जो ऑडियंस को पसंद आएगी। ऑडियंस ये नहीं देखती है कि कौन काम कर रहा है, उसको चीज़ पसंद आती है। आप देखते हैं कि कई बार छोटे छोटे बजट की फिल्म में भी, इसमें न्यू कमर्स होते हैं वो भी काफ़ी कमाल कर जाते हैं, और बड़ी बड़ी फिल्में भी कई बार नहीं चल पाती हैं। तो ऐसे ही जो भी, मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ आप अच्छे तरीके से मेहनत से बनाएंगे और ऐसी चीज़ जो ऑडियंस पसंद करे, तो ज़रूर उसको आगे जाना ही। लास्टली, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी वेब सीरीज़ है अंधाधुंध कानून, मिराज डिजिटल मिरेकल पे, आप उसको ज़रूर देखिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप वो देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही, और एकदम साफ सुथरा एंटरटेनमेंट है, कोई इसमें डबल मीनिंग, कोई इसमें गलत अश्लील कुछ नहीं है, तो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं और पक्के तौर पे आप एंटरटेन होंगे। आपके किरदार की सुमित जी बात करें, किस तरह किरदार है पूरा एक मैन में? अगर जी, मेरा हरियाणवी टाइप का करेक्टर है, तो हरियाणवी क्योंकि जज है, तो थोड़ा सा हरियाणवी उसको रखा हुआ है, तो और ये क्या है, जो हस्बैंड वाइफ जो मैंने आपको बताया ना, उसमें थोड़ा सा, अब है तो आदमी ना, तो थोड़ा सा जो महिला जो हैं उसकी तरफ थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है भाई, थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है भाई, महिला जी भाई ये जीत जाए तो अच्छा हो। बाकी अब पुरुष जो है उसमें, जो वकील है दूसरा, जो उसका हस्बैंड है, वो थोड़ा सा चालू टाइप का आदमी है, वो कुछ नई नई तरकीबें, नए नए कुछ खुरापात लेके आता रहता है केस में, तो जज साहब को ना चाहते हुए भी उसको ही सही बोलना पड़ता है, भाई बात तो तुम्हारी सही है। अब इसमें भी क्या है, पॉइंट में दम होता है, लेकिन जज साहब का पॉइंट में दम जो है ना, वो ख़राब हो चुका है, तो कोई भी पॉइंट अगर वो दम के, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जिसमें दम हो, तो पॉइंट में दम की जगह जज साहब बोलते हैं दम में पॉइंट है, तो ये एक उनका फनी सा तकिया कलाम है, तो ये कैरेक्टर है। सर, एक इस कैमरे पे आईडी दे, पता नहीं मीडिया में कैसे, मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ MDM के साथ, और बहुत सुना मैंने, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, वो लोग जो वेब सीरीज़ अभी हम लोग जो शूट कर रहे हैं एक फिल्म के फॉर्मेट में है, एंड नॉट जस्ट लाइक अ वेब सीरीज़, एंड आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज ये जैसे मैंने कहा एक फिल्म के जैसे वो लोग शूट कर रहे हैं, फिल्म कैमरा यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्क्रिप्ट लिखा है वो भी, इट्स जस्ट लाइक अ हिंदी कॉमेडी फिल्म, एंड सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एक साल बाद मैं एक वेब सीरीज़ में काम कर रही हूँ, एंड इट्स टिपिकल, इट्स लाइक अ मूवी, इट्स नॉट लाइक वेब सीरीज़ जिसमें यू नो लाइक
वेब सीरीज में सेंसरशिप नहीं है तो सेक्स डाल दो, पुट दिस इन पुट दैट इन, वैसे तरीका नहीं है. इट्स वेरी नाइस क्लीन एंड सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. वो आपको देखने पड़ेगा. आई थिंक मैं वो भी हो सकती हूँ और पत्नी भी हो सकती हूँ, तो उस दैट्स द आयरनी ऑफ द होल सीरीज. और शायद ये नाम भी चेंज हो सकता है, ये वर्किंग टाइटल शायद चेंज होगा. सो हाँ, लेकिन इट्स अ कम्प्लीट ऑल आउट कॉमेडी. हर सीन इज़ वेरी फनी, सिचुएशनल कॉमेडी है और सिंपल भी है. एवरी वन एवरी एज ग्रुप देख सकते हैं, कैन रिलेट टू इट. अभी सिर्फ मुझे सिर्फ वेब सीरीज ही करना है. आई एम वेरी हैप्पी. और इसका फ्यूचर मैंने 5 साल पहले मैंने देखा एंड 5 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि नाउ लेट्स जस्ट टेक इट ईजी. वेब सीरीज का ऑफर्स आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट एंड मुझे वेब सीरीज में कॉन्सेंट्रेट करना है. लेकिन ऑल्सो बीच में यू नो व्हेन इंडिया व्हेन वेब सीरीज केम टू इंडिया फिर सब एवरीवन जस्ट मेड स्टार्टेड मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ वेब सीरीज क्योंकि सेंसरशिप का ये मतलब वो लोग सोचा कि सेंसर नहीं करना है तो हर सब्जेक्ट का वेब सीरीज बनाया गया. बट विद दिस वेब सीरीज आई थिंक नाउ फाइनली वी हैव अंडरस्टूड दैट वेब सीरीज ऑल्सो हैज़ टू हैव अ कॉन्सेप्ट, हैज़ टू हैव अ स्टोरी एंड नॉट जस्ट सेक्स रिलेटेड. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वेट करके ये वेब सीरीज मैंने चूज़ किया. बिसाइड माई नो आई ओनली लाइक माई वेल आई थिंक आजकल बहुत ही अच्छा वेब सीरीज है. मीन लॉट्स ऑफ यंग पीपल आर गेटिंग अ चांस, यंग एक्टर्स, यंग डायरेक्टर्स, यंग प्रोड्यूसर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स विद वेरियस सब्जेक्ट्स. और बंगाली फिल्म में जैसे होते हैं एंड मलयालम फिल्म में जैसे होते हैं यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फॉर स्क्रिप्ट आई थिंक वेब सीरीज में यू कैन यू नो यू कैन एक्सपेरिमेंट सो मच. टुडे आई थिंक मोर पीपल आर गेटिंग अ चांस to showcase their talent, whether it's a director, producer, cameraman, actors. I think it's a great medium to be a part of. Okay, lastly, any message you would like to give to your friends? Yes, please watch my web series when it releases and I hope you like it. Thank you. Ma'am, visual. Wishes? Visual. Visual. क्या कुछ देखने वाले हैं तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें देखने वाले हैं ये बता सकते हैं. बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही फन, एंटरटेनिंग, यू नो हर कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ है ये हम कह सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा ये आप देखिएगा. ओके, आपकी बात की जाए कोई वेब सीरीज में आप नज़र आने वाली हो या और क्या पार्ट होगा आपका वेब सीरीज? सो जी हाँ, मैं इनके साथ इट्स कॉल्ड पति पत्नी और वो ये मेरा पहला कदम है वेब सीरीज़ की दुनिया में एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आज तक टीवी में अलग अलग रोल्स किए हैं तो कभी सोचा नहीं था, कभी यू नो प्लान नहीं किया था, बट इट्स अ वेरी गुड शो और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी कि मना ही नहीं कर पाए एंड इट्स गोइंग टू बी एंटरटेनिंग. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एब्सोल्युटली वेब सीरीज़ का ही ज़माना आ गया है. इनफैक्ट हम कितने टीवी शोज़ मूवीज़ भी जो मिस कर देते हैं थिएटर में या टीवी में हम वेब पे तो देखते हैं. तो आई टोटली बिलीव, आई थिंक हमारे घर के बच्चे बुज़ुर्ग सब आई थिंक अपने फ़ोन पे, आई एम श्योर यू ऑल विल एग्री, सब अपने फ़ोन पे कुछ भी मिस हो जाए, कुछ नया हो, कोई मूवी का ट्रेलर आए, कोई कुछ भी हो. और अब तो कितनी इंटरेस्टिंग सीरीज आ गई हैं, यू नो इतने चैनल्स हैं, दिस सो मच वैरायटी. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई एम स्टेपिंग इन टू दिस एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मैं सीधा दुबई से यहीं आई हूँ. इनफैक्ट मैं बहुत लास्ट मिनट कास्टिंग हूँ, मैं कल ही आई हूँ, आज मैं सबसे मिली एंड हियर आई एम एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस. आई थिंक इससे जल्दी कास्टिंग, इससे जल्दी तैयार होना किसी इवेंट के लिए आई थिंक मैंने कभी नहीं किया. तो आई थिंक ऑलरेडी बहुत ही एक्साइटिंग है ये सफ़र, आगे भी आई होप अच्छा रहे. आई वुड लाइक टू
से थैंक यू टू एवरीबडी आज तक जितना भी प्यार दिया उसके लिए, और एंड अ स्मॉल प्रॉमिस कि आगे भी मेहनत करते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे, एंड कीप वॉचिंग, कीप गिविंग योर लव. थैंक यू. And the cooperation. Hi, मैं हूँ रुचि, रंगीली रुचि के नाम से जानी जाती हूँ, on radio in Mumbai. और आज की दोपहर आप सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ में आए हैं to celebrate this new thing that I'm going to talk about. First of all, thank you so much for taking out time. जोरदार तालियाँ खुद के लिए बजाइए. Weekdays में दोपहर में यहाँ पर आना और साथ देना बहुत बड़ी बात है. मैं सीधा घुसने वाली हूँ हमारे टॉपिक पर जिसे लेकर के आज मैं यहाँ पर आई हूँ. लेट मी फर्स्ट टेल यू गाइज अ लिटिल अबाउट मिराज ग्रुप. मिराज ग्रुप हैज़ बीन अराउंड फॉर मोर देन 3 decades. बी इट नेसेसिटीज टू हाउस होल्ड टू प्लेजर्स और इंडल्जेंसेज टू एंटरटेनमेंट, मिराज ग्रुप हैज़ प्रोवाइडेड एवरीथिंग टू द पीपल, कंज्यूमर. Miraj Group has been a pioneer in whatever they put their hands into, and all this was possible because of the meticulous hard work of the chairman, Mr. Madan Paliwal. Zordar taliyan ho jaye for Mr. Madan Paliwal and his constant conscious efforts. Kehte hain koshish karoge to hal milega, aaj nahi to kal milega. Waqt ko waqt dena padta hai badalne ke liye, और जब आप थोड़ा सा वक्त दे दें उसके बाद नज़ारा बड़ा सुहाना होता है. जैसा मैं कह रही थी, रिलेंटलेस एफर्ट्स, एंथुजियाज्म, पेशेंस, उसी के चलते मिस्टर मदन एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 200 रुपये, विच वॉज हिज फर्स्ट पे, उससे कन्वर्ट किया है 2000 करोड़ की एंटिटी में. कम ऑन यार, दैट डिजर्व्स अ ह्यूज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. अनबिलीवेबल. Madan ji has always ensured to provide what the consumers need through his various businesses. And a few years back, when Miraj Group ventured into entertainment, they made sure that they make cinema that is enduring, real, and life-changing. And that's how films like Madari and the likes were made. But now, keeping in mind the fast-paced life of the youngsters and also the dynamics of the generation, they have decided to venture into digital platform with their newest baby, that is Miraj ka ye digital platform, which is called Miraj Miracle. Zordar taliyan ho jaye for Miraj Miracle. That is what we are here to celebrate. And we also, hum kis cheez ke bare mein yahan par baat kar rahe hain aur kya showcase karna chahte hain. So can we have the AV please, Miraj Miracle. Zindagi ke kai imtihan abhi baki hain. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है. ऑल राइट, दिस गोज टू द मिराज ग्रुप एंड दिस न्यू वेंचर जिसमें उन्होंने अपना कदम रखा है. जो पहला एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट मिराज मिरेकल ने अपने हाथ में लिया है, इट्स ऑलरेडी आउट देयर एंड इट्स रनिंग सक्सेसफुली एंड ब्यूटिफुली, एंड इट्स कॉल्ड अंधाधुंध. थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी बिफोर यू नो यू गाइज कैन विटनेस इट योर सेल्फ. A hilarious and comic take on the situation of different characters entangled in the drama of court cases. कैसा होता है हमारे यहाँ पर, हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में बड़ा ही सीरियस बिजनेस होता है ये कोर्ट केसेस का, लेकिन यहाँ पर हमने एक ऐसा फिक्टिशियस प्रोग्राम बनाया है आपके लिए विच इज एंटरटेनिंग, इट्स अ सटायर एंड इट इज समथिंग दैट आई थिंक वी नीड. प्लस ऑल्सो आई बिलीव कि हमारी जिंदगी आजकल रियल टाइम से ज़्यादा टाइम लाइन पर बीतती है, हमारी कुछ इन्हीं सब चीजों से जुड़ा हुआ है ये शो अंधाधुंध, द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट मिराज मिरेकल हैज टेकन अप. हर सीरीज में 3 एपिसोड हैं और एक नए केस के बारे में बात हो रही है, स्टारिंग सुमित अरोरा, शिवानी तोमर एंड केशव साधना टू नेम अ फ्यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर ऑफ अंधाधुंध. कहना चाहिए तालियों की जगह में ओहो, यही कहना चाहिए. वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट ट्रेलर दिस वाज, एंड इट्स ऑलरेडी आउट देयर फॉर ऑल यू पीपल, सो प्लीज गो एंड विटनेस दिस हिलेरियस कॉमेडी. उसी के साथ में
मिराज मिरेकल इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अबाउट वेब सीरीज. वेब सीरीज एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जरूर होने वाला है, लेकिन देर आर ऑल्सो गोइंग टू बी शॉर्ट स्टोरीज, इंडी म्यूजिक टैलेंट्स एंड अ लॉट मोर. एंड कीपिंग अ प्रॉमिस, ही इस दुनिया पर है, वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में भी सच हो जाए. एंड द शो इज कॉल्ड पति पत्नी और वो. और मैं सोच रही हूँ कि मैं ही क्यों इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ व्हेन वी हैव द ब्रिलियंट स्टार कास्ट एंड द टीम बिहाइंड बोथ ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स. तो हम क्यों ना इन्हीं को यहाँ पर स्टेज पर बुलाएं. तो सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहूंगी द रैविशिंग रिया सिरदेगा. प्लीज प्लीज अंधाधुंध का हमने अभी ट्रेलर देखा. सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द वेरी टैलेंटेड सुमित अरोरा एंड साथ में शिवानी तोमर. ऑफकोर्स मैं इस शो की शुरुआत से ही, दोपहर से ही बात कर रही हूँ अबाउट मिस्टर मदन पालीवाल, द चेयरमैन ऑफ मिराज ग्रुप. सर, इट वुड बी माय ऑनर अगर आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ऑन स्टेज. सर नील, अरे अरे मैं बुलाने वाली थी ना लास्ट में, आई जाइए, चलिए ओके. नील नितिन मुकेश, मिस्टर मदन पालीवाल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सीईओ एंड डायरेक्टर सोनल देश पांडे. वाओ, थैंक यू सो मच, प्लीज जॉइन, दैट्स लाइक अ ह्यूज हैप्पी फैमिली ऑन स्टेज. अमित जी को भी मैं चाहूंगी कि प्लीज स्टेज पर आए. अमितेश मालपानी जी, अमित आइए. ओके, सो अमित शर्मा जी प्लीज. भुवनेश जी, सर वुड यू लाइक टू कॉल अ फ्यू मोर पीपल दैट आई वुड हैव मिस्ड आउट ऑन? चलिए बहुत बढ़िया, प्लीज आइए. वी डोंट वांट टू लीव आउट एनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स. द होल स्टार कास्ट, यू हैव टू कम. मिस्टर स्टार आप हैं, ऐसे भी क्या बात है. Kali, please, yeah, come on, yeah. She's been giving me instructions since like day before yesterday. Himanshu, tu bhi aaja bhai. And Nishit. मजबूत है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज यहाँ पर स्टेज पर जो फाइनली कुछ. Please. आ जाए. आप रहेंगे तो थोड़ा मनोबल बना रहेगा. आ जाओ, आ जाइए. मुझे लगता है आप रहेंगे तो कंट्रोल कर पाएंगे थोड़ा सा ऑन स्टेज. हरजीत है, हरजीत. वो कह रहे हैं कि मैं वैसे भी नहीं कर पाया शूट के दौरान कंट्रोल, अभी क्या करूंगा. चलिए तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अंधाधुंध जिसका हमने ट्रेलर देखा उसकी पूरी की पूरी टीम से पूछना चाहूंगी कि कैसा एक्सपीरियंस था एक वेब सीरीज में एक्ट करना, कैसा एक्सपीरियंस था, नया था कि सोचा था कि ये तो आने ही वाला है लाइफ में, क्या सोच रहे थे आप ये करने से पहले? जी मैं, हर इंसान अलग होता है जी, उसका स्वभाव अलग होता है. मैं कभी भी कल के बारे में सोचता नहीं हूँ, मैं आज में जीता हूँ. तो मैंने कभी सोचा नहीं था क्या आने वाला है. मेरी कोशिश यही रहती कि जो आए वो ठीक से चला जाए वापस. ये ऐसा लग रहा है कि आप कुछ प्रवचन का बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. जो आया है वो जाएगा ही ठीक से जाए. हाँ, हाँ, बस वही है, जो आया है वो जाएगा. चिंता मत कीजिए, कल फिर से आएगा. तो हाँ, हमारी वेब सीरीज़ में सबसे बड़ी जो ख़ास बात रही वो मैं हमारे डायरेक्टर साहब को उसका पूरा देना चाहूँगा. क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नहीं आ रहा है. श्रेय, श्रेय, करेक्ट. देखिए मैंने कहा था ना कि आएगा आएगा आएगा, आया, देखा. बहुत बड़ा उनका श्रेय रहा इसमें जी, क्योंकि जैसा कि आपने अभी देखा कॉमेडी है, कॉमेडी करना आसान बात नहीं है. और डायलॉग्स लिखे हैं आप, डायलॉग बोल दीजिए, लेकिन इन बिटवीन जो चीजें हैं, डायलॉग को किस तरह से बोला जाए, कैसे क्या रिएक्शंस रहे, इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग. टाइमिंग, और उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है. जो जितना भी आप देख रहे हैं, जो भी आपको उसमें अच्छाई नजर आ रही है, जो भी वो बन पाया है अच्छा, बहुत बड़ा उनका योगदान इसमें सर का है. तो एक काम करते हैं, वो जो लास्ट में आप वो कर रहे थे वो डायरेक्टर और आपके बीच में कराते हैं, है ना, बड़ा मजा आएगा यार. चलो ना, लेट्स ट्राई. हाँ भाई, ओहो 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 ओहो, मत बोलो भाई, कुछ और बोलो यार. अभी गाना शुरू होना है. ओहो हो, वाह लवली.
शिवानी आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ कि कॉमेडी की है आपने इसके पहले और वॉज दिस द फर्स्ट टाइम यू वर ट्राइंग योर हैंड्स ऑन इट? नहीं एक्चुअली कॉमेडी मैंने की है पहले बट दिस वॉज लाइक डिफिकल्ट रोल लॉयर एज अ लॉयर बहुत डिफरेंट होता है एंड बहुत सारी लाइन्स होती हैं इतना सब बोलना पड़ता है इट्स वेरी डिफिकल्ट और कॉमेडी ऊपर से आई थिंक तो इट्स इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग रोल एंड आई एम मतलब आई लव्ड इट. क्या बात है. असली में आपको ऐसा रंगीन पानी पिलाया था कि कुछ सच में मिलावट कर दी थी उसमें? नहीं अगर पिलाया होता तो शायद मैं बोल नहीं पाती. बता दिया यहाँ पे सीक्रेट आउट हो गया है अब कल पेपर्स में छप जाएगा. Alright, looking forward to it. The trailers look amazing. Thank you so much. Thank you. मैं पति पत्नी और वो की टीम से भी पूछना चाहूंगी कि अभी तक तो मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर होने क्या वाला है. देखिए अनंत पति तो आप होने वाले हैं जाहिर सी बात है, पत्नी और वो कौन है इन दोनों में से जरा बताएंगे या वो कोई और है जगह खाली है मैं आ जाऊँ? नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं एक्चुअली दोनों ही पत्नियां हैं मेरी, धर्म पत्नियां हैं दोनों ही, लेकिन जो वो है. लिसन देखो ये अंधाधुन जो है ना ये कोर्ट केसेस के बारे में आप ये इलीगल बातें करो मत, यहाँ से यहाँ चला जाएगा ये. नहीं तो इसका पूरा का पूरा आइडिया ही है कि पहले कोर्ट हमने सजा दिया है मेरा. अच्छा अब जो है एक केस हो जाएगा जी और उस केस के अंदर जो इंट्रिक्रेसीज हैं जो उसके अंदर पेचीदगियाँ हैं वो आपको जब पता चलेंगी तो आपको मजा आएगा. ओहो हो तो क्या बात है. कोर्ट और केस दोनों हो जाएंगे. विनी आप कुछ बता रहे हैं, आप वो हैं कि पत्नी हैं क्या हैं? हेलो या वेल मुझे नहीं लगता है, आई डोंट थिंक इट विल बी करेक्ट. हम कौन वो है कौन पत्नी है कौन क्या देखिए आप इसमें ना ही पड़े मैं इनकी मदद कर देता हूँ इसमें. आप ये और वो पे ध्यान मत दीजिए. exactly. आप ये जो ये और वो के बीच में मैं फंसा हुआ हूँ आप मुझ पे ध्यान दीजिए. आप इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये दोनों के बीच में जो वो पार्टों के बीच में जैसे मैं पिस रहा हूँ आप उस पे ध्यान दीजिए, आपको ये वो और सब पता चल जाएगा. अरे 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 क्या बात है. रिया हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वेब सीरीज वो भी इतने टैलेंटेड एक्टर्स के साथ में? इट ऑलरेडी लुक्स सो मच फन टू सी यू गाइज टुगेदर ऑन स्टेज. आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट एज येट, आई हैव जस्ट डन वन डे ऑफ वर्कशॉप्स एंड इट वाज अमेजिंग बिकॉज आई मेट आनंद फॉर द फर्स्ट टाइम. And I think he's a very intelligent person, so I think he's an amazing actor. I've worked with a lot of newcomers. He is already so super in the workshops, and I think this is, I hate to say it about my own work, but this is going to be a hit. Wow, thanks, I am sure, definitely. And Miraj, miracle ke through, we are going to see you on, you know, this platform. It's going to be so good. We are awaiting. I really want to thank Miraj for like, casting me, and I'm really very, very honored and grateful for that. Thank you. थैंक यू सो मच. मदन जी मैं आपसे लंबे समय से बात करना चाह रही थी. एक तो सबसे पहली बात आप दिल से जो बातें करते हैं ना बड़ा पसंद आता है मुझे, तो आज मैं चाहती हूँ आप दिल से बताएं कि इतना खुशमिजाज दिन है ये, यू नो वी लॉन्च्ड मिराज मिरेकल, आपको कितनी खुशी हो रही है और क्या सोच रहे हैं आप आज इस दिन के बारे में, इस वेंचर के बारे में? आपने जवाब दे दिया था जी, खुशी आई है ना तो जाएगी भी, जाएगी तो वापस आएगी भी. बराबर बोला मैं आपके सब वैसा ही. अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है जी. एक बार फुट स्टेज छोड़ रहे हैं, आके देखेंगे वापस क्या हुआ. अभी मैं पहली बार इन लोगों से मिल रहा हूँ, मैंने कभी मिला भी नहीं इनसे. ओहो सो आई केवल हरजीत से और निशीत से मिला था और टीम अच्छा काम कर रही है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र सोनल सहित सभी और नील को भी. थैंक यू सो मच. थैंक यू नील. बिफोर वी कम टू यू, मैं सोनल आपसे जानना चाहती हूँ क्या स्कोप है मिराज मिरेकल का, आप क्या क्या कंटेंट लोगों तक पहुँचाने का सोच रहे हैं इस एक मीडियम के जरिए? एक रेस्टोरेंट खोलते हैं तब अलग अलग चीज़ें रखनी पड़ती है अलग अलग कस्टमर्स के लिए, तो एक चैनल हम लोग खोल रहे हैं. वैसे तो सारा कुछ तुमने बोल दिया है सबको, मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रखा है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट डिफरेंट वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म्स, सो अंडर वन रूफ ट्राइंग टू गिव लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स. आई होप एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड वी गॉट गुड लवली टीम एंड सर का सपोर्ट है हमें. And I appreciate his support time and again. Thank you very much, media, for coming on. Thank you so much for that answer. अब I am sure अंधाधुंध और पति पत्नी और वो की टीम सोच रहे हैं कि हम क्या हैं, हम बिरयानी हैं क्या, हम बटर चिकन हैं, हम कौन सी डिश हैं? All right, you know, आप भी जुड़े हुए हैं, you are like a family member to Miraj and also to Paliwal ji. So, what are you feeling आज की इस दोपहर? I'm extremely proud. First of all, I have to
really congratulate the entire team of Miraj, Miraj Group, Miraj Miracle, Miraj Entertainment and all. They have, you know, it's like a branch of umbrellas that they've just started opening one umbrella yes. after the other. So with Miracle being one of the most prestigious umbrellas under the wing, I think as far as digital is concerned, the space of digital is taking over by storm. You know, with all the other platforms that are there, all the other competitors that we have in the market. But we are very, very lucky that we have some really interesting content that's coming our way. And we are very lucky that we have somebody like Mr. Paliwal who's backing that content. Because most of the time there are people who just go out there with content and they don't really have a support system. Because there's not a door opening. This man's that one door that just opens to all, you know. So I think, first of all, for all those creative people out there, he's the man who one should thank. And apart from that, I think Sonal's doing a fabulous job as far as, you know, the digital platform is concerned. I saw the content a few days back also in the office. I'm seeing it now as a cut and, you know, put together. I think it's really interesting. It's very entertaining. I really liked the plot of Pati Patni Aur Woh. And I know you guys will kill it. It's going to be amazing. Thanks a lot. Andhadhun is brilliant. It's we are also going to go quickly on to the second season of it. And so I think in total, Miraj, first of all, is family. Miraj will always be a, you know, family. I'm going to be always a part of the Miraj family. For that, I have to thank my father figure out here. And thank you so much. We have a lot more that's coming our way as far as entertainment is concerned. But one step at a time, like he said, that we are just leaving one thing first right now. That's brilliant. एक और सवाल बस मैं आपसे पूछूंगी. हाँ. I'm sorry. We are going Mathura outdoor for this web series. So सब ब्रिजवासी हो जाएंगे. अरे वाह 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 वाह. इससे पहले मैं कह रही थी इससे पहले कि हम पूछें अगर कुछ सवाल हैं लोगों के पास में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ which is just not related to this. लोग आपसे बात करते कैसे हैं? आपसे ऐसे बात करते करते ऐसे बेहोश नहीं हो जाते? आप बात करते रहो हम यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं. Not at all. Thank you. That's a compliment. I just. I don't know. It's a compliment for you, but it's a danger for us, yeah. Don't worry. I'll hold your hand. Oh my God! Oh my God! All right. Thank you so much. It's such a fabulous team this is. If we have any questions, the team is right here. कोई भी सवाल? We do have a question. All right. मदन जी आपसे सवाल है. MDM की शुरुआत के लिए सबसे पहले बधाई दे दो. धन्यवाद. वेब सीरीज तक ही इसे सीमित रखना है कि कुछ और नए कॉन्सेप्ट नए आइडियाज इसके साथ जुड़ने जा रहे हैं आप? अभी तो स्टार्ट किया है. देखिए एमलेस आदमी हूँ, जहाँ तक पहुँच जाएंगे वही मुकाम. क्या बात है. मीटू के इस दौर में पति पत्नी और वो ये आइडिया और हिम्मत कहाँ से आई और आगे क्या क्या करने जा रहे हैं वो भी आज ओपन कर दीजिए. वो क्या है कि इंटायर टीम है ना जो करने वाली, इनसे आपको पूछना पड़ेगा. ये तो केवल टेलीफोनिक मुझसे यस ले रहे हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है करो भाई, कि ये ओहो हो करने जा रहे हैं. मैंने कहा करो भाई. कुल मिला के मज़ा ही आया ओहो देख के, है ना. तो हमको वहाँ मज़ा आ रहा है उदयपुर में, आप यहाँ बना रहे हो हमको भेज रहे हो. और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं इस बारे में, लोगों को अच्छा लग रहा है. आप धन्यवाद के पात्र हैं. थैंक यू सर. रिया मेरा सवाल आपसे है. बहुत एक लंबे गैप के बाद एक खूबसूरत ग्लैमरस चेहरा वेब सीरीज की ओर है. आपने क्या सोचकर इसमें कदम रखा है? वेल एक साल बड़े पर्दे को छोड़कर यहां वेब सीरीज कर रही हूं एक साल बाद आफ्टर रागिनी एमएमएस. और आई गॉट लॉट ऑफ ऑफर्स इन द मिडल, लेकिन सब बहुत ही स्लीज था उसमें या लैंग्वेज का प्रॉब्लम था. और मैंने सोचा मैं इंडिया में वेब सीरीज एवरीवन जस्ट मतलब वो लोग जब वेब सीरीज बनाते हैं इंडिया में जस्ट मींस दैट जस्ट थ्रो इन समथिंग बिकॉज there is no censorship. Aur ye script mein I think it's just situational, it's comedy, it's a film format, and I just thought that everything is just perfect for like a web series, like a proper substantial web series with a subject that everyone can relate to, not only sex oriented. And that's why maine wait kiya aur abhi main ye web series shoot kar rahi hu. And I am very very delighted to have been given this opportunity, and this offer has just like fallen from nowhere. I'm very happy. Thank you. Okay, mera sawal Neel sir se hai. Neel sir, aap associated hain Madan sir ke sath, to what's kya kya khubi hai as in producer inki, kitni liberty dete hain aapko ye aapka jo idea hai, jo aapka vision hai usko pura hone mein? You know,
Thanks for asking the question. I think most importantly is it's very important to have somebody who himself is very creative when he's handling such a big creative wing. So I think Mr. Paliwal himself is beautifully gifted. He's very, very creative a man. He's very good with his vocabulary, with his music sense, with his story sense. He's such a learned man himself. So it just makes the entire process very easy for us when we have someone like him on board, because we might sometimes overlook a few aspects as far as some stories are concerned. But when he goes there and he kind of looks into all those things, he can say, okay, yeah, this kind of works for me. And up till now, whatever he's, you know, put his hands on, it's worked for us. So he is like a blessing, like I mentioned earlier also. Okay, he's a complete blessing to all the creative people associated with Mirage. Yeah. Okay, Neil sir, साथ साथ आपको हम शुभकामनाएं और मुबारकबाद भी देना चाहेंगे. NNM जो अभी as in launch हुआ है, साथ में associated with मदन सर. तो कुछ NNM के बारे में बताएं, क्या क्या आने वाला है. सुना है, सूत्रों से पता चला है कि bypass road की shooting बहुत बेहतर हो रही है और yeah, we are 60% almost done with the film, and of course it's being produced by Mirage Entertainment. NNM Films is the creative producers of the film. And 60% of the film's done. It's being directed by my younger brother, Naman. It's been written by me. So we're very happy. It's a thriller. It's a suspense thriller. We can't really say much of it, but the star cast is fabulous. We've got from Rajit Kapoor to Gulpanag. We've got Manish Chaudhary. We've got Sudhanshu Pandey. So it's an ensemble. It'll remind you a lot of my film, Johnny Gattar, in a way, but 2018 revamped to another level. Yeah, Ada, of course, Ada Sharma, the leading lady. In fact, we have some fabulous stunts and some major thrill portions that we are going to be shooting in the next 2 days now. Yeah. Okay, Anil sir, celebration ka mahol hai. Hum chahenge Naman sir bhi aaye aur aap sabko join kare aur unse bhi kuch baat ho paaye. Yeah, Naman. There you are. Come, come, come. So Mirage, let me just basically tell you, it's not just limited to only digital content that we're making right now with Mirage, but Mirage is going really you know, vast with its film production, etc. So hopefully in the next couple of years, you'll see that we're coming up with a lot of film productions as well. And I'm very, very proud and very glad that I'm associated. He considered me worthy of being a part of his company. He's made me a director of the company, and I just hope that whatever content that we are developing with him, for him, he's happy. Otherwise, my directorship will go. Okay, Naman sir, hum bhi aap se jana chahenge, sir. What do you have to say about this? Next question to Amit. Bilkul, bilkul. Naman sir ke baad, please, say something. Sorry, can you repeat your question, please? Kya kehna chahenge apne, kyunki Neil sir ne aapko support kar rahe hain, kyunki aap talented hai obviously, और मदन सर भी आपके साथ खड़े हुए हैं, तो क्या एक्सपीरियंसेस रहे, जो भी शूटिंग रही है आपकी, क्या कहना चाहेंगे अपने इस पहले? आई थिंक इट्स फिनोमिनल द वे वी आर गोइंग. ऑफ कोर्स हैविंग अ फादर फिगर लाइक हिम एंड अ फादर फिगर लाइक हिम बैकिंग मी फ्रॉम डे वन, इट्स बीन अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस. एवरीबडी इज कम टुगेदर ऑन द सेम पेज क्रिएटिवली. द कोऑपरेशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम ऑल HODs राइट डाउन टू द स्मॉलेस्ट पीपल वर्किंग ऑन द फिल्म, इट्स बीन अमेजिंग. Thank you so much for that question. Any more questions do we have? All right then, let's have a quick photo op. Pura ki pura team hai. So okay, pehle aise lete hain, uske baad mein star cast aap batayega kine rakhna hai. Acha thoda sa andar aana padega so that everybody can fit into the frame. School photograph jaisa karna padega. Tall one, short one. Just the star cast of
Thank you so much. And thanks to all the media members who took out time this afternoon. Shaam ho gayi actually. And we're here. And we hope... ओके सो नील जी पहली बात तो एमडीएम के बारे में बताइएगा किस तरह का सेट होगा क्या कुछ देखने मिलने वाला है ऑडियंस आई थिंक मिराज डिजिटल मिरेकल इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म विद द होल डे एंड एज ऑफ डिजिटल यू नो प्लेटफॉर्म्स कमिंग आवर वे वी हैव गॉट नेटफ्लिक्स वी हैव कम अमेज़न हॉटस्टार फ्रॉम एरोस टू सो मेनी ऑफ देम हैव जस्ट कम अप विद इट जस्ट ओपन्स एवेन्यूज फॉर अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स अ लॉट ऑफ you know, young aspiring performers to go out there and showcase their talent. I think it's the perfect time for Miraj to have launched their Digital Miracle platform. And I give all the credit to the MD, you know, of the company, Mr. Madan Paliwal. Of course, Sonal Deshpande, you know, the CEO of the company has really pushed for this platform. And I'm extremely proud of being a part of the Miraj family, being a part of the entertainment, part of Miraj Group. And looking forward to all the content that they have, yeah. See, right now I think MDM is concentrating on making sure that all the younger talent that's not getting a great platform out there to go and showcase their talent comes out there. Also, we are trying to make sure that we build, you know, content which is a bouquet of flowers. We don't want to make sure that it's divided only to a certain genre, so it's being worked on. We're, you know, from music videos to web series to films to a lot of the other content that generally people would want to have them develop. They are getting a free hand here. Well, जब भी कुछ नया आता है फिर लोग कहते हैं कि वो उसका ज़माना है but I think एंटरटेनमेंट का ज़माना कभी हिलेगा नहीं यहाँ से एक हिंदुस्तान में एक एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही मायने रखती है लोगों के लिए और मैं बस बहुत खुश हूँ कि मैं इस एक बहुत बड़े परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ तीन जनरेशन्स हो गए हैं अब तीन पीढ़ियों से हम चले आ रहे हैं मुकेश जी से नितिन मुकेश जी से अब मैं मेरा छोटा भाई नमन एज फार एज़ वेब सीरीज़ आर कंसर्न It's definitely here, it's going to stay. It's also much more accessible. People have the option of viewing a lot. People today in general have become very fickle. You know, they want to have their options right on their fingertip. They don't want to be limited to what they want to see. They want to have the option of seeing A, B or C. I think that's why it's the best platform to have out here right now. Well, why not? I love to do web series. I love to see if there's some really interesting content that I can be a part of. मगर मेरा बहुत है कि मैं थोड़ा शुरुआत से ही थोड़ा चूजी रहा हूँ तो फिल्म्स को लेके और वेब सीरीज अगर अब फिल्म वेब सीरीज भी हो तो थोड़ा चूजी हूँ तो अगर कंटेंट ज़्यादा ही अच्छा है और स्ट्रॉन्ग है और मुझे पसंद आया और जिस पैमाने पे मैं बनाना चाह रहा हूँ वो अगर बन रहा है तो ज़रूर उसका हिस्सा बनना चाहूँगा मैं इन्जॉय मिराज मिरेकल एंड इन्जॉय ऑल द कंटेंट बीइंग डेवलप्ड ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड विश अस ऑल द बेस्ट या थैंक्स हाँ जी हाँ जैसा कि मैंने कहा मैं दुबई से सीधा यहीं आई हूँ आई वॉज़ देयर टू सेलिब्रेट माई सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी और जितना सोचा था उससे बहुत ही अच्छी थी जगह उससे कई ज़्यादा मज़ा आया और डेफिनेटली बॉम्बे में शेड्यूल ही ऐसे होते हैं मेरे धीरज के कि हम कई बार इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं तो I think it was really nice. It was a good break, and I'm very happy this happened. And अब मैं शायद fully charged हूँ कि अब वापस आगे छुट्टी होगी तो अब काम करेंगे। एनिवर्सरी की बात की जाए धीरज जी कितने प्रयास किया इसे काफी रोमांटिक या एक बनाने का
देखो हम वैसे वाले कपल नहीं हैं, रोमांटिक रोमांटिक कुचिकू वाले, बट ट्रैवल करना हमें बहुत पसंद है, नई नई चीज़ें खाना पीना घूमना फिरना, नई नई जगहें देखना. तो आई थिंक हमारा रोमांस ऐसा ही होता है कि चलो यहाँ चलें, चलो वहाँ देखें, सब कुछ साथ में करना ज़रूरी है. आई थिंक अच्छी कुछ भी नया कुछ भी अच्छा हो साथ में हो, आई थिंक वो ज़रूरी है. बहुत ही, मैंने जैसा कि कहा कि एक तो पहली बार ये मेरा पहला कदम है वेब सीरीज़ की दुनिया में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, कॉमेडी है, मैंने खुद पहले कभी कॉमेडी नहीं किया, मैंने खुद पहले कभी वेब सीरीज़ नहीं किया, लोग बहुत अच्छे हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है. तो आई एम रियली होपिंग जितना मज़ा हमें आए काम करने में उतना ही मज़ा आप सबको आए वेब सीरीज़ देखने में. तो आई जस्ट हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम वेरी पॉजिटिव, और बहुत ही एंटरटेनिंग होगी, बहुत मज़ा आएगा, और बस देखते रहिए. थैंक यू. हाँ जी जी सर, हेलो. डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा क्या, कुछ तड़का देखने में आ रहा है? नहीं, वो तो अभी हमने ट्रेलर देखा है, और क्योंकि अभी अभी शुरू हुआ है तो आई फील कि इसके अंदर ये लोग अलग अलग तरह की चीज़ें प्रयोग में ला रहे हैं, एंड आई थिंक दैट दे आर फोकसिंग ऑन ह्यूमर एंड कॉमेडी पे. तो वो अभी हमने देखा, और जो हम लोग भी जो अभी करने जा रहे हैं वो भी कॉमेडी है. तो और धीरे धीरे इसके अंदर और सामान जुड़ता चला जाएगा. जैसे कि आपकी भी वेब सीरीज आने वाली है, पति पत्नी, और वो जी बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहोगे क्या होगा? हाँ, वो बड़ा मज़ेदार है क्योंकि मथुरा का सेटअप है, और मथुरा शहर में ये एक शख्स हैं, और उनके जीवन में किस तरह से उथल पुथल हो जाती है क्योंकि पत्नी भी हैं और वो भी हैं, और उसके अंदर बड़ा मज़ेदार सी कहानी है. जब वो आप लोग देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा उसके बारे में. जैसे कि पति तो आप हो गए, पत्नी और वो कौन होने वाले हैं? हाँ, वो मैंने इसलिए स्टेज पे भी जवाब दिया कि आप ये और वो पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ पति पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पति है वो पिसा हुआ है बेचारा बीच में, और जैसे आप देखेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, जब आपको मालूम चलेगी तो आपको मज़ा आ जाएगा. वेब सीरीज का जमाना, इस स्टेटमेंट को आप कितना देखते हैं, क्या फ्यूचर होने वाला वेब सीरीज? नहीं, मेरे मानने से तो क्या है, ये तो आ ही गया है. इतनी सारी वेब सीरीज़ बन रही हैं, इतना सारा काम हो रहा है, इतने सारे एक्टर्स को काम मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है. और वेब सीरीज़ का एक फ़ायदा ये है कि आप जो कॉन्टेंट है, जैसा आपका मन चाहे, जिस तरह से आप उसको करना चाहते हैं, आप उसको वैसा प्रस्तुत कर सकते हैं. इसमें बहुत सारी बंदिशें नहीं हैं, क्योंकि फिल्म में या टेलीविज़न में बहुत तरह की बंदिशें भी होती हैं. इन वेब यू हैव द लिबर्टी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है. और मुझे लगता है कि ज़माना आ ही गया, आने वाला क्या है, तो आ ही चुका है जी. लास्टली एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव योर फ्रेंड्स? नहीं, बस आप ये अभी हम लोग शूटिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद जब ये आए तो आप लोग देखिए इसे और मज़ा लीजिए, और अपने कॉमेंट्स दीजिए, बताइए कैसा लगा. पति पत्नी और वो का टाइटल भी चेंज होने का, मतलब सुनने में आ रहा है. अच्छा, ये बताया गया आपको किसी ने? अच्छा, मुझे नहीं बताया ये. अच्छा, मुझे तो ये बात के बारे में मालूम ही नहीं, मुझे तो पति पत्नी और वो के हिसाब से ही. अगर कुछ दूसरा टाइटल होना चाहिए तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ना घर के ना घाट के, ये हो सकता है, ये बड़ा अच्छा टाइटल रहेगा इसके लिए. जी जी, थैंक यू, थैंक्स.